तो दर्शक बंधु आप देखते भाई आमर फास्ट कहीदी कलिकतार आईटा ब्रिड्र कूकर नहीं आई को पचार कौन कौन रोच तो आपको पहले आपका नाम बताइए अर्पण कर्मकार। तो ये जो ब्रिड है इसके बारे में बताइए कौन सा ब्रिड है? ये साइबेरियन हस्की है। और ये वाला? ये वाला एमस्टाफ अमेरिकन स्टाफोर्डशायर टेरियर। ये वाला शो में पहली बार आया है, मतलब ओडिशा डॉग शो में पहली बार आया है। तो पहला हस्की के बारे में पूछ लेते हैं, तो ये हस्की कितना साल का हो गया है? ये हस्की एक साल का है। वर्ष को आप हस्की रोच मेल मेल तो मेल आप हस्की रोच कलिकतारु भाई आसते तो बताइए ये इसका पहली बार है या पिछला कोई शो ये अटेंड किया है? ये पिछले इंडिया चैंपियन है। इसका नाम क्या? इसका नाम है जैस्पर और ऑलरेडी ये इंडिया चैंपियन हो गया है और पेपर में इसका नाम है ड्यूक, मतलब रजिस्टर्ड नाम है इसका ड्यूक। शी इज़ अ ऑनर। मैडम को बहुत बहुत चैनल को स्वागत। तो मैम ये थोड़ा बताइए जो साइबेरियन हस्की है हमारा इंडिया का वेदर के आप कैसे हैंडल करते हैं? এসিতেই থাকে থাকে বেশিরভাগ টাইম, মানে শীতকালেও ওর এসি লাগে মেনলি ঘরের মধ্যে। ম্যাডাম যেহেতু কৌলে কি শীতরে মধ্যে তাঁর এসি লাগে, তো আজ আপনার ডগস আসছেন, আরেঞ্জমেন্ট কেমতি লাগুছে আজ? ভালো, খুব ভালো। সাইবেরিয়ান হাস্কি রয়ে যাচ্ছে বর্ষকর। ম্যাম কত দিন রয়ে বর্ষকর? কিতনা সাল কাই? এক সাল। এক সাল ते वर्षक आपर रही जा साइबेरियन हस्की। तो जो लोग साइबेरियन हस्की रखना चाहते हैं उनको आप क्या टिप्स देंगे जो बिगनर्स रखना चाहते हैं? तो देखिए वे तो नॉर्मल डॉग के तरह ही इसका मेंटेन है, लेकिन हाँ गर्मी में इसका थोड़ा दिक्कत होता है। वो वाला टाइम पे इसका एसी सब डॉग के लिए कॉम्पल्सरी है, लेकिन हस्की के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है एसी। अदरवाइज इसका एक्स्ट्रा कोई मेंटेनेंस नहीं है। हाँ शेडिंग के टाइम में थोड़ा ज़्यादा शेडिंग होता है, अगर किसी का शेडिंग का प्रॉब्लम होता है तो वो अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज ही इज़ अ फ्रेंडली डॉग। खाना क्या खाता है? नॉर्मल डॉग फूड और दोपहर में और रात को चिकन और चावल, कभी कभी दही, डिपेंड करता है वेदर के हिसाब से इसको फूड क्या चलेगा नहीं चलेगा। देखिए मतलब वर्षक आप कूकर ओडिशा से आसला आउ भाई मत कहते कि सी आगु बहुत चैंपियनशिप जीति, तो अभी आपका रिंग कब अनाउंस हुआ है? नहीं नहीं नहीं, अभी देरी है, लेट होगा थोड़ा सा। अनाउंस जब करेगा तब जाके रिंग स्टार्ट होगा इसका। बेटा साइबेरियन हस्की मतलब आउट कूकर इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये तो एक्चुअली फ्रेंडली होता है, लेकिन इसको मेंटेन जैसे आप करेंगे तो ये ऐसा ही होगा। क्या इसका? इसका नाम है जेनी। जेनी आपण तो फीमेल हो जाऊ जी देखि पाथो से सोई जे अग्रेसिवनेस मध्य ता नाही, खास करी बहुत लोग आछुनी आज टेंपरमेंट मध्य टेस्ट हबो से नुवा कुकुर हो किमा पुणा कुकुर लोकों देखि की केमति कोन रहू जी। अलग अलग कुकुर मध्य आपण आसीबे तो अगर बोलेंगे तो इसको कितना महीना हुआ है, कितना साल हुआ है? इसका 9 महीना हुआ है। मैंने अपना तो वर्ष है सेमी अडल्ट है। तो इसका अगर हम बोलेंगे तो इसका और ब्रीड का एक बार नाम बता दीजिए। इसका ब्रीड का नाम है एमस्टाफ, शॉर्ट में पूरा नाम बताए तो अमेरिकन स्टाफोर्डशायर टेरियर। अपन देख बदले बहुत ही अपन गुट्टे है जमी कह डॉग्स को बदले गुट्टे ही आसी। और इसको आप क्या मतलब आपका घर में कितना अभी कुत्ते हैं? हमारे घर में तो अभी 7 कुत्ते हैं, तो इसको लेके 7 कुत्ते हैं। और कौन कौन सा ब्रीड है आपके पास? हमारे पास रॉटवेलर है, जीएसडी है, बुल टेरियर है, फिर एक सिट्जू है, तो ये सब ये है। अभी भाई पाखे कह गले सब भेराइटर कुकुर रही आज आपको तो नहीं कि आस दीटा कुकुर आप देख पाते बहुत ही बढ़िया रोचे। तो इसका अगर हम बोलेंगे तो ये घर में खुला रहता है या लीज में रखते हैं? खुला रहते हैं, आपको डॉग आप डॉग को जितना फ्री रखेंगे वो उतना फ्रेंडली होगा। और अगर आपका कोई भी दोस्त आता है तो उसका टेम्परमेंट कैसा रहता है? उनके टेम्परमेंट अच्छा रहता है, ये काटता तो नहीं है एकदम ही, तो इसको आप जितना फ्रेंडली बनाएंगे तो वो ऐसा ही होगा। आप देख पाते टेम्परमेंट मध्य भल रोच गोटे फास्ट टाइम पु बहुत बहुत धन्यवाद से इनफर्मेशन दे आशा लगे आप भिड पसंद आम रही तेणु आप देखो आप धरी नहीं पार्टी जेहतु आम कुकुर अच्छी आपण किसी असुविधा हमें अलरेडी देख पाते टेम्परमेंट तर एकदम नॉर्मल रोचे गोटे बढ़िया अलग नुआ ब्रिड्र भेराइटर कुकुर आेणु भाई को बहुत बहुत धन्यवाद भाई को लिस्ट देदे आशा लगुच तो भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दुईटा कुकुर नहीं आसते सेमती आप जोड़े दे जो नुआ ब्रिड अच्छे आप देखिए आ बढ़िया से इनफर्मेसन पाइबे।